गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष चंद्र सिंह लाइव क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट ड्रग जिसका नाम है फिनोटोइन। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस ड्रग से, सो ध्यान से सुनने इसके बारे में, फिनोटोइन एक कौन से ड्रग्स है एंड कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे एंड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से पहले आपको जो अपनी बैक क्लासेज में जो ड्रग्स हो चुके हैं उनके बारे में आपको देख लेना है एक बार। जो आपकी नई क्लासेज हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, अपने कौन कौन से ड्रग्स हो चुके हैं वो आप देख लेना। एक तो आपकी लिथियम हो चुकी है, दूसरा आपका मोरफिन हो चुका है, एस्प्रिन पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, हिपेरिन पढ़ चुके हैं, वारफरिन पढ़ चुके हैं, इनके एंटीडोट्स का क्या होते हैं सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अपनी ये पांच ड्रग्स हो चुके हैं एंड अपनी नेक्स्ट हो गया फिनोटोइन, ठीक है। तो इस ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस क्लास को देखने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले तो बता दूँ छोटी सी क्लास है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा एंड इसको अभी फिनिश करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स के अंदर, तो देखते हैं आपका फर्स्ट, देखना आप ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में नॉर्मल थेरापेटिक सीरम लेवल ऑफ फिनोटोइन, मतलब कि आपकी फिनोटोइन का नॉर्मल जो सीरम थेरापेटिक लेवल होता है वो क्या होता है। जनरली यही क्वेश्चन पूछ रहता है एग्जाम में अंदर कि जो फिनोटोइन का नॉर्मल सीरम थेरापेटिक लेवल क्या होता है, तो आपको राइट आंसर करना है कि 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml होता है वो नॉर्मल सीरम थेरापेटिक लेवल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जितना ये डाटा इंपॉर्टेंट है उतनी इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट लेना इनके। तो जितना इसका डाटा इंपॉर्टेंट है उतनी इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली एम से वो यूनिट में चेंजेस करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, माइक्रोग्राम की जगह आपको एमजी दे दे एंड आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको टिका दोगे, एमजी पे। तो ध्यान रखना ये क्या है, माइक्रोग्राम के अंदर इसको देखते हैं। तो नॉर्मल सीरम थेरापेटिक लेवल इज 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml एंड जो इसके मेजर साइड इफेक्ट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे एक ट्रिक से, आपको याद रहेगी, काफ़ी हॉट ट्रिक है, ठीक है। तो देखते हैं, ये इजीज नहीं है, ये इट इज़ ए एंटी कन्वर्जन ड्रग। तो ध्यान से सुनना, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स को मैंने क्यों बोला है, इट इज़ ए एंटी कन्वर्जन ड्रग्स। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं एंड एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, देन अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सीजर्स क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो ब्रेन के अंदर होते हैं उनकी वजह से पर्सन के अंदर फाइंडिंग देखने को मिलते हैं अलग अलग। तो हम यहाँ पे सीजर्स की थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि जो एंटी कन्वर्जन ड्रग्स हैं वो कहाँ कहाँ काम करेंगी। तो जो आपके सीजर्स होते हैं जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है जनरलाइज सीजर एंड पार्शियल सीजर, जनरलाइज सीजर्स, ठीक है, एंड पार्शियल सीजर्स, ठीक है। रिटर्न लैंग्वेज में मत जाना, जो बोल रहा हूँ उस पर सुनना, जनरलाइज सीजर एंड पार्शियल सीजर्स। तो ये दो टाइप के आपके कॉमनली सीजर्स होते हैं, ठीक है। जो जनरलाइज सीजर होता है इसके अंदर आपके बोथ हेमिस्फेयर अफेक्ट होते हैं, जो ब्रेन के जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जबकि पार्शियल सीजर्स के अंदर आपके कोई पर्टिकुलर लोब इफेक्ट होता है ब्रेन का, पर्टिकुलर लोब इफेक्ट होता है या वन हेमिस्फीयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर फाइंडिंग देखने को मिलती हैं। जो जनरलाइज सीजर्स होता है वो आपके मेजरली जो टाइप्स होते हैं जनरलाइज सीजर्स के अंदर आपका, तो वो होता है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, ठीक है। फिर आता है आपका मायोक्लोनिक सीजर्स, ठीक है, मायोक्लोनिक सीजर्स। फिर आता है इसमें एटोनिक सीजर्स, एटोनिक सीजर्स ये टाइप्स हैं इसके, एटोनिक सीजर्स, एब्सेंस सीजर्स, ठीक है, क्लोनिक सीजर्स, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर्स, क्लोनिक सीजर्स, एटोनिक सीजर्स एंड एब्सेंस सीजर्स, तो ये सीजर्स के टाइप्स होते हैं। तो मैं ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अभी आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। जो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर होता है इसी का एक और नाम होता है जिससे हम कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जिससे हम कहते हैं ग्रांड माल सीजर्स। ईसीटी में सुना होगा, ईसीटी के अंदर जो कौन सा सीजर इंड्यूस करते हो आप, ग्रांड माल सीजर्स इंड्यूस करते हो, तो वही जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर से क्या कहलाता है, आपका ग्रांड माल सीजर्स कहलाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आइए हम अपने टॉपिक्स पे फिर से आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि इट इज़ ए एंटी कन्वर्जन, मतलब कि ये एक एंटी सीजर्स ड्रग्स है, ये सीजर्स के अगेंस्ट काम करेगी, ठीक है, ये एक एंटी सीजर्स ड्रग्स है एंड ये जाके एक्ट करती है सोडियम चैनल पे एंड सोडियम चैनल को जाके ब्लॉक कर लेती है, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर
डीपोलराइजेशन नहीं होगा, डीपोलराइजेशन होगा तो मसल्स के अंदर इम्पल्स फर्दर स्प्रेड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है आपकी ड्रग एक्टिंग ऑन सोडियम चैनल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आता है कि सर इसको हम कौन कौन से सीजर्स में यूज कर सकते हैं, तो अभी हमने टाइप्स पढ़े थे एंड वन मोर थिंग, जो पार्शियल सीजर्स पढ़ा था उसके दो टाइप होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर्स एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, एंड तो इसको हम यूज कर सकते हैं इस ड्रग्स को, क्वेश्चन आ सकता है एक्सेप्ट में, तो ग्रैंड मल सीजर्स में यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में एंड सिंपल पार्शियल सीजर्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो सीजर इसको ड्रग्स हम कहाँ कहाँ यूज़ किया, ग्रैंड मल सीजर्स में क्योंकि एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स एंड सिंपल पार्शियल सीजर्स में इसको यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज सर इसकी डोज क्या होती है, अगर एग्जाम में पूछ ले तो 100 mg का इंजेक्शन भी मिलता है एंड टैबलेट्स भी मिलती है, मतलब कि इसको आप IV भी दे सकते हो एंड ओरल भी ले सकते हो, बात क्लियर, रूट भी आ गया एंड साइट भी यहाँ पे देखने को मिल गई, तो आपकी डोज भी आ गई है एंड आपके रूट्स भी आ गए हैं एंड साइट्स तो फिर है ही आपकी IV, ठीक है। तो देखते हैं जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या इससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इनको हल्के में मत लेना, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, जब एग्जाम में मिलेंगे तो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बस सुन लेना आप तो अभी के लिए, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप IV देते हो, अगर इस ड्रग्स को आप IV देते हो तो इसको देने से पहले डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड ड्रग्स होती है, ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, जिसकी वजह से इसको क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। एंड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में किस में डाइल्यूट करते हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा, नॉर्मल स्लाइन में डाइल्यूटेड करते हैं। सर डाइल्यूट क्या करते हैं, मोस्ट क्वेश्चन तो ये बनता है, क्योंकि अगर ये ड्रग्स कंसंट्रेटेड होती है और अगर आपने इसको बिना डाइल्यूट किए IV लगा दिया तो ये आपकी जो इनर लेयर होती है कौन सी होती है, एंडोथीलियम को जाके क्या करवा देती है, रप्चर करवा देती है। रप्चर करने के बाद आपके वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है एंड इन्फ्लामेशन कोज करता है आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन करवा देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन इज नोन एज फ्लेबाइटिस एंड साथ में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बो फ्लेबाइटिस। तो देखिए इसीलिए इसको डाइल्यूट किया जाता है, किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं, नॉर्मल सलाइन के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को, क्यों डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि ये आपके एंडोथीलियम को जाके रप्चर करवा देती है वहाँ पे, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है एंड इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करवा देती है, जिसकी वजह से लेट जाके कोज करती है आपके थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्लोली IV यूज टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन, ठीक से, स्लोली IV यूज टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन एंड दिस अरेथमिया। इसको हमेशा IV पुश करते हैं तो स्लोली करते हैं सबसे पहली बात तो, क्योंकि ये हाइपोटेंशन कोज करवा सकती है एंड दिस अरेथमिया कोज करवा सकती है। डिस अरेथमिया कोज कैसे करवाई, ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी अभी कुछ देर के अंदर। एंड इसको हाइपोटेंशन करवा देती है ये ड्रग्स, इसलिए इसको स्लोली देती है। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं आपके जिपमेयर के अंदर कि इसको स्लोली क्यों दिया जाता है, अदरवाइज ये हाइपोटेंशन कोच करवा सकती है, तो इसको कैसे दिया जाता है, स्लोली दिया जाता है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 10-20 microgram per ml इसलिए थेरापूटिक लेवल होता है, वो आपका RUHS में क्वेश्चन आ चुका है एंड ESIC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं सर वो बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से पूछ रहा है एग्जामिनर जाके एडवर्स इफेक्ट, एंड बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन से। तो जो एडवर्स इफेक्ट याद करने की ट्रिक्स है, होट मलिका, कैसे याद रखोगे, होट मलिका, ठीक है, हाईलाइट कर रखा है सारे टर्म्स, इसको याद करने का तरीका बताऊंगा भी, होट मलिका। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, MALIKA, होट मलिका, ठीक है। तो देखिएगा नाम बड़ा अच्छा लग रहा है होट मलिका, तो फर्स्ट इसमें आता है H से क्या याद रखोगे आप, हिर्सुटेज, मतलब कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर इज नोन एज हिर्सुटेज, मतलब कि ये क्या करवा सकती है, ऑप्शन में लिखा आ सकता है, हिर्सुटेज में नहीं आ सकता, ये आपकी हेयर ग्रोथ भी करवाती है, मतलब कि क्या लिखा सकता है ऑप्शन में, हेयर ग्रोथ भी क्या इसका एडवर्स साइड इफेक्ट है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, मतलब कि अगर बोन की सॉफ्टनिंग एडल्ट एज में हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, अगर यही चीज़ चाइल्ड में देखी जाती है तो इसको हम कहते हैं रिकेट्स, ठीक है।
तो बोन का डिमिनरलाइजेशन होना फिनोटोइन की वजह से क्या कहलाया? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, अभी के लिए ट्रिक याद रख लो, वर्ड में समझाता जा रहा हूँ। टेराटोजेनिक होती है, टेराटोजेनिक मतलब कि अगर इसको आप प्रेगनेंसी में यूज कर लेते हो तो ये अपने साइड इफेक्ट कोज करती है। वो साइड इफेक्ट क्या अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होती है, ये टेराटोजेनिक ड्रग होती है। ठीक है, टेराटोजेनिक ड्रग्स होती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया भी ये कोज करती है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया मतलब कि यहाँ पे आरबीसी आपकी क्या है, लार्ज साइज में है, आपकी आरबीसी भी मैच्योर नहीं हुई है, 25 माइक्रोन की है, यहाँ पे मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया कोज करवा सकती है। एटेक्सिया मतलब कि आपके सेरिबेलम को जाके अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर इनकोऑर्डिनेट मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं एटेक्सिया। ठीक है, लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। एंड आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि ये इंसुलिन के एक्शन को आने ही नहीं देती। अगर इंसुलिन का एक्शन नहीं आएगा सेल्स के ऊपर तो पर्सन के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा सेल्स में, ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल कहाँ बढ़ेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, मतलब कि आपके ग्लूकोज का लेवल देखने को मिलेगा ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर आपका ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज, मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमी है। ठीक है, और क्या हो सकता है सर, विटामिन के की डेफिशिएंसी करवा सकता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी गाइस तो आपके 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर अफेक्ट होंगे, मतलब कि क्लोटिंग भी नहीं होने देगी। तो क्लोटिंग नहीं होने देगी तो ब्लीडिंग भी करवा सकती है। तो फेनोटोइन देखिए कितनी सीवियर हो गई। तो होट मलिका से हमको समझ जाता है हिर्सुटिज्म, ऑस्टियोमलेशिया, टेराटोजेनिक होती है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, एटेक्सिया, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड विटामिन के डेफिशिएंसी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन में आपसे ऑल ऑफ द वो भी पूछ सकता है या फिर एक्सेप्ट में क्वेश्चन आएगा। सो इनको याद रख लेना ये ट्रिक्स। ठीक है, अरेथमिया कोज करवा सकती है। जब जब आपके विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है और पर्सन के अंदर ये अरेथमिया कोज करवा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके ये क्या होती है, टेराटोजेनिक ड्रग्स होती है। दूसरा ऑस्टियोमलेशिया करवाती है, मतलब कि यहाँ पे डिमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, मतलब कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जाके आपके हार्ट पे भी इफेक्ट डालती है। अगर आपको यहाँ पे फर्दर समझने बैठोगे तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो मतलब आप समझना कि अरेथमिया मतलब कि ब्रैडीपनिया या ट्रेकिकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया कोई भी कंडीशन कोज कर सकती है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये आपके साइड इफेक्ट हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर कि जो आपकी फिनोटोइन होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। मतलब कि क्या पढ़ा अभी हमने, टेराटोजेनिक ड्रग्स होती है। एंड जब आप क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट पढ़ोगे तो ऐसा पढ़ोगे आप कि जो फिनोटोइन होती है अगर कोई मदर्स यूज करती है तो उसके अंदर आपका देखने को मिलता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। मतलब कि ये जो ड्रग्स होती है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्या करवाती है ये, हाइडेंटोइन सिंड्रोम करवाती है। हाइडेंटोइन सिंड्रोम करवाती है जिसकी वजह से हाइडेंटोइन सिंड्रोम के अंदर आपको 3 ट्रायड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसेफेली, मतलब कि बच्चे का जो ब्रेन है वो छोटा है, बच्चा स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है, मेंटल रिटार्डेशन मतलब कि बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत कम देखने को मिलता है। अलग अलग कंडीशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ठीक है, ये आपके मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से पूछा जाता है नॉट हाइडेंटिन सिंड्रोम से, कि जो प्रेगनेंसी के अंदर अगर इसने यूज किया तो ये क्या करवाती है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट करवाती है। सो गाइज अपनी क्लास कंप्लीट है यहाँ तक, इसके बाद में कुछ नहीं बचा है यहाँ से। सो फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है, किसी को इसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, मैसेज कर देना व्हाट्सअप नंबर पे, अदरवाइज मैं इसको ग्रुप्स पे भी डाल दूंगा। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। सो गाइज थैंक यू एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।